ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम कालूराम बुद्धा इंदवाल है, जो कसारा का रहने वाला है। ठाणे पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि वागले स्टेट RTO ऑफिस के पास एक व्यक्ति आने वाला है जिसके पास नकली नोट है, जिसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट 2,83,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में इसने और भी खुलासे किए हैं। इसने बताया कि नकली नोट इगतपुरी में एक घर में बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने जब इगतपुरी में छापेमारी की तो पुलिस भी देख कर दंग रह गई। नकली नोट बनाने के सामान, वाटरमार्क, केमिकल मशीनें, ऐसे कई नकली नोट बनाने के काम में आने वाले सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है? इन्फॉर्मेशन मिला था कि उस एरिया में एक जन फेक करेंसी लेके आने वाला है, तो हमारे गवई साहब और उनकी जो टीम थी, उन टीम ने वहाँ पे एक ट्रैप लगाया। ट्रैप लगने के बाद हमको एक आदमी मिला, उसको हमने हिरासत में लेने के बाद उसका जब हमने सर्च किया तो उसके पास हमको 2,83,000 का फेक करेंसी मिला। उसके बाद हमने उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद जब हमने उसके साथ पूछताछ किया तो पूछताछ में उसने बताया कि इगतपुरी के अंदर एक हाउस है, उस हाउस के अंदर इस प्रकार की जो फेक करेंसी वो बनाई जाती है। फिलहाल नकली नोट मामले में पुलिस ने अभी सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस पर 489 आबा का और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ नकली नोट पहुंचाने का काम करता था। इस पूरे मामले में जांच जारी है। आखिर नकली नोटों की छपाई कैसे होती थी, कौन कौन इस नकली नोट बनाने में शामिल है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।